बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर पार्टिसिपेंट, आप सबको नदीम इकबाल ऑफिशियल चैनल में खुश आमदीद। आज का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आपके लिए लेके आया हूं, वो है हाउ टू ओवरकम द एग्जाम फियर, इम्तिहान के खौफ को कैसे खत्म किया जा सकता है। जब भी स्टूडेंट्स, चाहे वो टू क्लास का है चाहे वो पीएचडी का स्टूडेंट है, जब भी एग्जाम देने के लिए जाता है तो एक अजीब सा स्ट्रेस, एक अजीब सा खौफ उसके जहन में होता है, उसको कैसे खत्म किया जा सकता है। लेकिन पॉइंट डिस्कस करते हैं, 9 पॉइंट्स हैं मेरे पास। सबसे पहला पॉइंट है कि जब भी आप पेपर देने के लिए जाएं एग्जाम में, तो आपने नो गॉसिप, आपने कोई बात नहीं करनी किसी के साथ। अगर आप किसी के साथ गपशप करेंगे तो वहां से बातें होंगी क्वेश्चंस के वाले से कि ये किया है आपने और ये नहीं किया हुआ, तो आपको साथ ही एहसास हो जाएगा कि नहीं, ये तो मैंने नहीं, इस चैप्टर को मैंने नहीं कंप्लीट किया था, या इस चैप्टर को मैंने इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी थी। तो साथ ही स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन में आप आ जाएंगे। आपने कतन ऐसे नहीं करना, लोगों से गपशप नहीं करनी वहां जाकर। सेकंड नंबर पे अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है तो तलावत करनी शुरू कर दें और रिलैक्स हो जाएंगे आप तलावत करने के बाद। डीप ब्रीथिंग करें, लंबे लंबे सांस लें। नो नीड टू कैरी बुक, आप अपने साथ किताब को कतन ही लेके जाएंगे। अगर आप किताब को लेके जाएंगे तो फिर भी आप पढ़ते रहेंगे और फिर मजीद आपको स्ट्रेस होता रहेगा। आपको फील होगा कि ये वाला क्वेश्चन मुझे अभी तक याद नहीं हुआ, ये वाला क्वेश्चन अभी तक मैंने प्रिपेयर नहीं किया प्रॉपरली, ये वाला न्यूमेरिकल मैंने अच्छी तरह प्रिपेयर नहीं किया, ये इक्वेशन तो मुझे आती नहीं। जब आप इस तरह की बातें करेंगे तो आप स्ट्रेस में आ जाएंगे और फियर आप में बढ़ता जाएगा आपका। 2 आवर्स बिफोर एग्जाम आपने बुक्स या नोट्स को साइड पे कर देना है आपने। सेल्फ कन्वर्सेशन करनी है आपने। सेल्फ कन्वर्सेशन से क्या होगा, इससे ये होगा कि साइकोलॉजिकल कन्वर्सेशनल हाइपनोसिस होगा। उससे आप क्या फील करेंगे, उससे आप कॉन्फिडेंस फील करेंगे। आप अपने आप से कहें आई फील प्लेयर, आई फील सो रिलैक्स, आई कैन डू इट। अगर ये कन्वर्सेशन आप अपने साथ करेंगे तो आपको एक अंदर से कॉन्फिडेंस मिलेगा और वो कॉन्फिडेंस आपको पेपर में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। उसके बाद ईट प्रॉपरली, ब्रेकफास्ट लाजमी करें। अक्सर स्टूडेंट्स ब्रेकफास्ट छोड़ देते हैं जिससे आपको एनर्जी नहीं मिलेगी जो आपको आपके जिस्म को चाहिए होती है एनर्जी। फील कॉन्फिडेंट एंड स्टे ऑप्टिमिस्टिक, आप पुरउम्मीद रहें, कूल रहें ताकि आप अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। अच्छा, बिलीव करें अपने आप पर और अपना बेस्ट शूट जो है वो लाजमी अप्लाई करें और वो कर दें आप जो करना चाहते हैं और आप कामयाब हो जाएंगे। फियर को दूर कर दें आप और इजी होकर, रिलैक्स होकर पेपर हल करेंगे तो फिर आपका पेपर इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएगा। इस तरह आप एग्जाम के फियर को खत्म कर सकते हैं। लेकिन रिवाइज कर देता हूं, क्या करना है, नो गॉसिप, तिलावत करनी है, डीप ब्रीथिंग करनी है, नो नीड टू कैरी बुक्स, सेल्फ कन्वर्सेशन करनी है, ईट प्रॉपरली, फील कॉन्फिडेंट, स्टे कूल। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मजीद इस तरह की वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको फौरन वीडियोस मिल सकें। अल्लाह हाफिज़।